After the meaning of accounting, now my topic is nature of accounting. तो पूरे nature को हम देखते हैं accounting के क्या क्या nature होते हैं. So the first one is accounting is a process. देखिए accounting एक पूरा process है जो back to back चलता रहता है और circle way में चलता रहता है, जिससे accounting cycle निकल कर आती है. तो process में देखिए लिखा है a process refers to method of performing any specific job step by step. अकाउंटिंग में भी स्टेप बाय स्टेप चीजें की जाती है. तो देखिए यहाँ पे स्टेप बने हुए हैं, पहले आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन को, फिर मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई समरी बनाना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज को. तो यही अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है. तो इसको हम अकाउंटिंग को कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है पूरा जिसमें बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं. सो दिस इज द नेचर ऑफ अकाउंटिंग, दैट इट इज अ प्रोसेस. और डेटा यहां पे दिया हुआ है तो आप इसको रीड करके जो मैंने अभी प्रोसेस दिखाया है आपको, इस प्रोसेस को ही आप पूरा लिख सकते हैं. सो नाउ द सेकंड वन इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अकाउंटिंग को आर्ट भी बोला गया है और साइंस भी बोला गया है. आर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि अकाउंटिंग करते समय मुझे कुछ स्किल्स आनी चाहिए, इसीलिए इसको आर्ट बोल दिया गया. क्योंकि आर्ट अगर वो चीज है आर्टिस्टिक, तो वो चीज है जो आपके अंदर इनबिल्ट है या आपने सीखी है स्किल्स, तो अकाउंटिंग भी एक स्किल है. अगर आपने सीख ली तो आप अकाउंटिंग कर लेंगे. अब आते हैं साइंस क्यों बोला गया. तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम भी बना हुआ है जिसमें साइंटिफिक वे में इधर कुछ चिप्स वाली चीज़ें बनी हैं जो माइक्रो प्रोसेसर और ये सारी चीज़ें, इधर देखिए आर्ट स्किल्स ब्रेन बना हुआ है. तो इसमें यहाँ पे बोला गया है साइंस इसको इसलिए बोला गया है नेचर ऑफ अकाउंटिंग में क्योंकि यहाँ पे हम कुछ साइंटिफिक वे में चीज़ें करते हैं अकाउंटिंग में, जैसे डेबिट एंड क्रेडिट, हम कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं अकाउंटिंग में. तो यहाँ पे भी हम साइंटिफिक वे में देख रहे हैं चीजों को. तो अकाउंटिंग को इसलिए आर्ट भी कहा गया है और साइंस भी कहा गया है. तो आप इसका एक्सप्लेनेशन डेटा के थ्रू पढ़ लीजिएगा ये और लिख सकते हैं, अपने समझ में तो आई गया तो अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं. अकाउंटिंग इज मीन्स एंड नॉट एन एंड. देखिएगा अकाउंटिंग अपने में एक एंड नहीं है कि अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी एक टाइम पे, नहीं. अकाउंटिंग एक मींस बनती है कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें हेल्प करती है अकाउंटिंग जाके. किस तरह की हेल्प करती है, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समरी बनाने की और रिजल्ट को कम्युनिकेट करने के लिए. तो इसमें ये एक मींस बनती है, मींस मतलब एक तरीके से एक हेल्पफुल एक सपोर्ट दे रही है, इसलिए इसको बोला गया अकाउंटिंग इज अ मींस एंड नहीं है, नॉट एन एंड. तो इसको रीड कर देते हैं थोड़ा सा. चलिए अकाउंटिंग फाइंड्स आउट द रिजल्ट एंड पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एंड द सेम एंड एट द सेम टाइम इट कम्युनिकेट्स द इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर. बताइए सबको कि वो रिजल्ट निकालती है, एंटिटी का पोजीशन देखती है और कम्युनिकेट करती है रिजल्ट्स को अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को. द यूजर्स देन टेक दिस देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन. और जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन, जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, वो लोगों को दिखाते हैं और वो देख कर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं अपना कि इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं और पैसा लगाना है कि नहीं, ये सारे डिसीजन वो लेते हैं. सो इट कैन बी सेड दैट मेयर कीपिंग ऑफ अकाउंट्स कैन बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पर्सन और एंटिटी. ऑन द अदर हैंड मेन ऑब्जेक्टिव मे बी आइडेंटिफाई एज टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. देखिए किसी को हेल्प कर रहा है ना कि वो डिसीजन ले पाए. तो अकाउंटिंग क्या बनी किसी के लिए, एक मींस बनी डिसीजन लेने के लिए, एक मींस बनी रिकॉर्ड रखने के लिए. तो देखिए यहां से इसका नेचर समझ में आने लगा कि ये एंड नहीं है कि खत्म हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया खत्म, ऐसा नहीं है. ये हेल्प कर रही है, मींस बन रही है और लोगों के लिए. तो आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है, तो आप और भी लिख सकते हैं बना के अ मींस टू एन एंड. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग, यहां पे दिया है अकाउंटिंग डील्स विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन. अकाउंटिंग में हम वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं और जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं और जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. तो ये चीजें अकाउंटिंग के अंदर है, तो ये इसका नेचर है. डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ जो मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है और जो मेरी फाइनेंशियल पोजिशन को, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को इफेक्ट करता है. तो यहाँ पे दो चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पे उन्हीं चीजों में डील किया जाएगा जो मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेगा और जो मेरे ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट कर, जो ट्रांजैक्शंस होंगे जो मेरे फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेंगे इकोनॉमिक नेचर के. सो दिस इज द नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग डील्स विद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड डेटा आफ्टर क्लासिफाइंग द सेम एंड फाइनलाइजेस देयर रिजल्ट फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ फॉर कन्वेइंग देम to their users. So from starting to the end at every stage accounting deals with financial information. यहाँ पे starting से end तक सिर्फ financial information का ही use किया जाएगा जो मेरे business को affect कर रही है. Suppose मैंने घर पे कुछ खरीदा है और घर के पैसे से खरीदा है तो वो मेरे business की financial position को affect नहीं करेगी. अच्छा financial position को affect कैसे करती हैं चीज़ें,
जब मेरी एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल पे कुछ इफेक्ट पड़ता है एक ट्रांजैक्शन के होने से, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। मेरे बिजनेस की एसेट लायबिलिटीज या कैपिटल को अगर कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट कर रहा है तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। इट डज नॉट डील विद नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो ध्यान रखिएगा जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है उसको ये रिकॉर्ड नहीं करेगी। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग, जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह भी है। अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरेक्टराइज्ड एज अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, पूरा स्टोर बना लेते हैं पूरा डेटा, बिजनेस के डेटा का। तो सारा डेटा जो है वो रिकॉर्डेड है, तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी तो बन गया। जैसे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा होगा आपने, मार्केटिंग में बीकॉम में ही पढ़ाया जाता है, बीबीए में भी पढ़ाया जाता है। तो उसी तरह अकाउंटिंग भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पूरा सिस्टम है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का। उस सिस्टम में से, इंफॉर्मेशन सिस्टम में से आप अपनी अपनी मतलब की चीजें निकालते जाइए। तो इसका यह भी तो नेचर हो गया कि ये इंफॉर्मेशन पूरा डेटा रिकॉर्ड रखता है अपने पास, तो इसलिए इसको बोल दिया गया अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते रहते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं इंफॉर्मेशन में, वो स्टोर करके रखता रहता है। क्लाउड, देखिए क्लाउड की तरह दिया ना, क्लाउड स्टोरेज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग।